मंत्रालय में वंदे मातरम गायन को बंद करने पर कांग्रेस घिरती नजर आ रही है। बुधवार को मंत्रालय पहुंचकर भाजपा नेताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार द्वारा लगाई गई रोक के विरोध में वंदे मातरम का गायन किया। इस दौरान भाजपा विधायक विश्वास सारंग समेत सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने वंदे मातरम बंद करा के शहीदों का और हिंदुस्तान की 1,36,00,000 आबादी का अपमान किया है। वंदे मातरम गीत होना चाहिए। वंदे मातरम हमारी राष्ट्र की आत्मा है। वंदे मातरम में देशभक्तों का वो महामंत्र है जिसके कारण वो फांसी के फंदे पर चूमे आजादी का तिरंगा हमको मिला। आज अगर बल्लभ भवन की सीढ़ी पर चढ़कर कोई मुख्यमंत्री बनता है, मंत्री बनता है, तो उन शहीदों की कुर्बानी के कारण बनता है। और जिन कुर्बानियों के मंत्र ने मैं वंदे मातरम गाया था, कमलनाथ जी ने वंदे मातरम बंद कराकर शहीदों का अपमान किया, हिंदुस्तान की 1,36,00,000 आबादी का अपमान किया। और कांग्रेस जो है लगता है जिन्ना की चाल चल रही है। कांग्रेस आतंकवादियों के हाथ की कठपुतली बन रही है और कांग्रेस नए विभाजन की लकीर खींच रही है। पर हिंदुस्तानियों जागो, देशभक्तों जागो। वंदे मातरम का तो बदला लो ही, पर अपने शहीदों के अपमान का बदला भी कमलनाथ की सरकार से लो। हर घर, हर मन, हर दिल वंदे मातरम गाए और कमलनाथ को हाय हाय करे। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।